हेलो फ्रेंड्स, निर्मल नोजरिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरा जो फर्स्ट यूट्यूब चैनल है ना, लव गुरु रूपारानी, उस पर रिक्वेस्ट आया था कि मैम आप एक ना वीडियो बनाइए नोज ज्वेलरी की, जिसमें आप ये ब्लैक कलर की लिप लाइनर और विथ रेड लिपस्टिक आप लगा करके दिखाइएगा। मतलब जो लाइनर है वो ब्लैक हो, जैसे कि बहुत से लोग इस तरह से लगाते हैं, और उसके साथ आप नोज ज्वेलरी पहन करके दिखाइए। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार ही देखिए पहनी हूँ। और वैसे रिक्वेस्ट वहाँ था, वहाँ पर वीडियो फुल अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखा रही हूँ। मतलब छोटी सी, इस चैनल पे ना मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो अपलोड करती हूँ नोज ज्वेलरी की। और अगर आपको नोज ज्वेलरी पसंद आ रही होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर। कुछ वीडियो अपलोड है और कुछ वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी धीरे धीरे। चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी आपका कुछ कहना हो वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। और ये आपको कैसी लग रही है नोज ज्वेलरी विथ लिपस्टिक रेड ब्लैक बॉर्डर? तो मीशो से ये वाला नथिया मैं ली थी। वैसे मैं बहुत सारे वीडियो, जब भी मैं इसको पहनती हूँ तो मैं बता ही देती हूँ, जो भी ज्वेलरी पहनती हूँ जहाँ से ख़रीदी हूँ आप लोगों को बताती ज़रूर हूँ कि ये ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली है। तो ये वाली ज्वेलरी मैंने मीशो से ली है, 200 कुछ रुपए की थी, मतलब 200 समथिंग जो भी होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। थोड़ा सा जब मैं एक साल दो साल, मुझे लगता है दो साल हो गए इस नथिया को ख़रीदे हुए, छठ पूजा में भी पहनी थी, और छठ पूजा में स्पेशल मैं सच बता रही हूँ पहनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी वीडियो वगैरह में मैं पहना करती हूँ, क्योंकि और फेस्टिवल में तो पहनी नहीं हूँ। वैसे नथिया पहनी हूँ तो अभी मैं ना साइड साइड में क्या लगाई हूँ, जैसे कि मेरे पास ना ब्लैक कलर का लिप लाइनर नहीं था, तो फिर मैं स्केच से कर दी हूँ, जो बच्चों का कलर होता है ना स्केच कलर, उसी से करी हूँ। थोड़ा सा यहाँ जहाँ पर नथिया का वायर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये टच हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए पसीने से या जैसे भी ये फैलते जा रहा है थोड़ा थोड़ा। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ना, प्लीज़ इसको पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निर्मल नोजरिंग को। बाय बाय।